एल एन और अर्थिंग। तो ये जो दो वायर हैं ये मोटर की हैं, इधर दिखाइए आप फेस है, ये आ जाएगा डायरेक्ट कैपेसिटर में, इनकी वायर इसके फेस के साथ अटैच है, ये जो कॉमन वायर होती है ये डायरेक्ट। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्प्लिट एसी का नॉन इन्वर्टर आउटडोर, जो कि वोल्टास कंपनी का है। तो दोस्तों हम इसमें आपको दिखाएंगे, किसी को कनेक्शन नहीं आते हैं, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनके भी कनेक्शन कई लोगों को नहीं आते हैं, कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है। जो आउटडोर के होते हैं वो सोचते हैं न्यूट्रल फेस के दो वायर तो आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं और कैसे कंप्रेसर में उसके कनेक्शन जाते हैं, कैसे मोटर में उसके कनेक्शन जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, ताकि आप लोगों को आगे कभी ये समस्या आए तो आप कहीं फंसे ना, इसलिए आप पूरा देख सकते हैं इसको। तो आप ये देखिए, हमारे पास आउटडोर है वोल्टास कंपनी के एसी का, जो कि नॉन इन्वर्टर है। तो हम आपको एसी के कनेक्शन दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर कवर होता है, हमें उसे खोलना होता है। तो यहाँ पर कई मॉडलों में अलग अलग तरीके के पेच होते हैं, किसी में चार भी आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी पहले, तो आपको दिखाने के लिए फिर हम इस तरीके से ये खोलकर रखेंगे साइड में, और फिर इसका ये कवर हम उठा देंगे। तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, तो आप ले आइए पास, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे कनेक्शन होते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों इस आउटडोर के ऊपर का जो पतरा होता है वो हमने खोल लिया है, आइए पास से दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि आउटडोर के अंदर होता क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी ये जाली होती है, जिसे हम कंडेंसर कॉयल बोलते हैं। तो ये कंडेंसर कॉयल है जो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है और हीट को बाईपास कर ये आगे गैस को भेजता है, सर्कुलेट करता है। दूसरी चीज इसकी ये मोटर होती है, जरा सामने से दिखाइए या ऊपर से दिखाइए। तो ये मोटर होती है, इसके आगे फैन लगा होता है, तो जो गैस इसके अंदर चलती है उसे ये हीट को निकालता है, ये फैन ये मोटर काम करती है। और एक इसका ये कंप्रेसर होता है, जो इसका कंप्रेसर है ये मेन पार्ट है। तो एक्चुअली मेन पार्ट तो सारे ही हैं, लेकिन ये कंप्रेसर है। तो इस कंप्रेसर का काम होता है गैस को पंप करना। तो ये गैस पंप करके जब इस कंडेंसर के अंदर भेजता है तो ये हीट होती है, तो इसकी हीट एब्जॉर्ब करता है ये फैन। तो दो ही चीजें होती हैं जिसके कनेक्शन होते हैं, एक तो कंप्रेसर इलेक्ट्रिक होता है, तो कंप्रेसर में वायर जाती हैं और मोटर में वायर जाती हैं। तो हमें पावर सप्लाई, तो यहाँ से जब पावर सप्लाई आती है न्यूट्रल फेस की, ये आप देख सकते हैं एल एन और अर्थिंग, ये अर्थिंग के पॉइंट आपको दिख जाएंगे, हर एसी में दिखेंगे, कई एसी में नहीं भी होते हैं तो छूट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल फेस है, तो फेस का यहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल का यहाँ जब हम लगाएंगे तो इसमें पावर आ जाएगी हमारी इन दोनों के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए आप, ये जो दो वायर हैं ये मोटर की हैं, और ये जो दो वायर हैं ये कंप्रेसर की हैं। तो जो इसके अंदर जो मोटर की दो वायर हैं ये सीधी जा रही हैं मोटर के अंदर, इधर दिखाइए आप। तो इसका जो मोटर का कैपेसिटर होता है वो सेपरेट होता है, उसकी सेपरेट एक वायर होती है, तो उसमें ये कैपेसिटर लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका कैपेसिटर लगा है। और इसे न्यूट्रल फेस दे दो मोटर को तो मोटर वर्क करने लगेगी और काम अपना करेगी मोटर। अब रही बात कंप्रेसर की, तो आप देख सकते हैं एक ये वायर है, एक ये वायर है जो वहां से बाहर आ रही है। तो और कंप्रेसर को तीन वायरों की रिक्वायर्ड होती है, कंप्रेसर तीन वायरों से चलता है, तो मैं बताता हूँ। तो ये आपका फेस है, तो ये जो फेस है ये आ जाएगा डायरेक्ट कैपेसिटर में, ताकि ये कैपेसिटर को सप्लाई दे सके और कैपेसिटर को चार्ज कर सके, ताकि कैपेसिटर अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये जो फेस की वायर है ये सीधी आएगी, इसी के साथ हमें एक वायर लेके जानी है जो कंप्रेसर पे, जिसे हम रनिंग कहते हैं। तो ये कंप्रेसर की रनिंग की वायर इसके फेस के साथ अटैच है, ठीक है। तो बाकी जो दूसरी वायर बचती है न्यूट्रल की, इसे कॉमन वायर होती है, ये जो कॉमन वायर होती है ये डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर जाती है, ठीक है। और रही बची इसके बाद जो कैपेसिटर के जो दूसरे पॉइंट पर जो वायर लगी होती है, ये स्टार्टिंग की वायर होती है।
तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है। अब होता ये है, यहाँ से हमने न्यूट्रल फेस दे दिए, एक फेस है जो कि डायरेक्ट कंप्रेसर के, जो कि डायरेक्ट कैपेसिटर के अंदर गया, कैपेसिटर से वहीं से जो न्यूट फेस हमने दिया था वो निकलकर डायरेक्ट रनिंग में चला गया कंप्रेसर की, वो हमने रनिंग से लगा दी वायर। एक बार होती है कॉमन की, तो कॉमन की हमने ये डायरेक्ट दे दी जो न्यूट्रल की होती है, तो ये हमने कॉमन डायरेक्ट दे दी। और रही बात स्टार्टिंग की, तो ये स्टार्टिंग की वायर है जो सिंगल वायर कैपेसिटर के अंदर लगी होती है। कैपेसिटर का काम ही ये होता है कि जब जो ये वायर फेस की है इससे कैपेसिटर चार्ज होता है और इससे पावर देता है ताकि कंप्रेसर ऑन हो सके, तो ये स्टार्टिंग के लिए होती है ये वायर, फिर इसका कोई भी काम नहीं रहता है। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल सी वायरिंग होती है एसी के अंदर, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर काफी सिंपल सी कनेक्शन होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। तो दोस्तों यही सब होता है एक आउटडोर के अंदर। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आप जानना चाहते हैं और जो कि आपको पता नहीं है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके लिए उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे उसके ऊपर भी, और आपको अच्छी खासी नॉलेज दे देंगे हम आपको वीडियो के जरिए। तो दोस्तों कुछ और भी अगर आपके डाउट हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। और बाकी दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर यही दो चीजें होती हैं जिसे पावर सप्लाई से हम ऑन करते हैं, बाकी सारा काम कंप्रेसर और फैन मोटर का होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। The closer you got to me, the faster I